इंसान भी कितना ज्यादा टाइम हो गया मैंने कोई कविता नहीं बनाई, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं कोई अच्छी सी कविता बनाऊं। और आप सबको पता है कि इस कविता का शीर्षक क्या है? मेरी प्यारी दादी माँ। मैं आशा करूंगी कि आप सबको ये मेरी कविता अच्छी लगे। तो चलो शुरू करते हैं। हर पल हर क्षण जो हम पर अपनी ममता बरसाती, वो मेरी प्यारी दादी माँ कहलाती। जब से मैं इस जग में आई, उन्होंने मुझे राह दिखाई। दादी माँ जिस घर में होती, वो घर चमके जैसे मोती। सर्दी खांसी हो या बुखार, उनकी दवा हर दम तैयार। उनकी कहानियों में एक सार, जिससे शिक्षा मिलती बार बार। बुरे समय से कैसे बचना, दादी माँ सिखलाती हैं। अपने जीवन के अनुभवों को हमें नित्य सुनाती हैं। मैं हर पल ईश्वर को देती धन्यवाद कि मिला मुझे मेरी दादी माँ का आशीर्वाद। मैं आशा करूंगी कि आप सबको मेरी कविता अच्छी लगी हो। तो चलो ये कविता एक और बार सुनते हैं। पल हर क्षण जो हम पर अपनी ममता बरसाती, वो मेरी प्यारी दादी माँ कहलाती। जब से मैं इस जग में आई, उन्होंने मुझे राह दिखाई। दादी माँ जिस घर में होती, वो घर चमके जैसे मोती। सर्दी खांसी हो या बुखार, उनकी दवा हर दम तैयार। उनकी कहानियों में एक सार, जिससे शिक्षा मिलती बार बार। बुरे समय से कैसे बचना, दादी माँ सिखलाती हैं। अपने जीवन के अनुभवों को हमें नित्य सुनाती हैं। मैं करती ईश्वर को धन्यवाद कि मिला मुझे मेरी दादी माँ का आशीर्वाद। मैं आशा करूंगी कि आप सबको मेरी कविता अच्छी लगे। एंड याद रखना कि जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है एज सुपर सानवी, उस पर आप सारे कमेंट्स लिख सकते हो। इफ यू वॉन्ट मी टू पोस्ट वीडियो ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक, देन यू कैन सजेस्ट मी देयर। एंड रिमेम्बर, स्टे होम, स्टे सेफ, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन नियर द सब्सक्राइब बटन, एंड bye.